बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब ज़िम्मेदार भाई ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मैसेज लेके आए हैं कि जैसा कि गंदम की फसल अपने आखिरी मराहिल पे जा रही है, तो सिट्टे की बुराई का अमल जारी है और दिन का दर्जा हरारत तकरीबन 28-29 हो गया है। अब दिन ब दिन दर्जा हरारत मजीद बढ़ने के चांसेस हैं और रात का दर्जा रहता है जो वो कम है, नॉर्मल है, ठंडा है। तो इसमें जो है ना, ये जो रत्ती की बीमारी है ना, रस्ट कुंगी या रत्ती जिसको बोलते हैं ज़िम्मेदार भाई, ये हल्दीनुमा पाउडर गंदम में इतना ज़्यादा जो है ना अचानक से अटैक आया है कि जैसे ये शुरू वीडियो के शुरू में आपने फसल की सिचुएशन देखी है और ये वही फसल है, इसकी सिचुएशन देखें। और तमाम ज़िम्मेदार भाइयों से ये गुजारिश है कि अपने खेत में जाएं और अपनी फसल का मुआयना ज़रूर करें, ये ना हो कि बाद में आपको नुकसान का सामना करना पड़े। तो लिहाजा अगर आपकी फसल में इस तरह अटैक, अभी तो ये तो बहुत ज़्यादा मुआशी हाथ को गुजरा हुआ है ना अटैक, लेकिन अगर आपकी फसल में अभी कहीं कहीं आपको स्पॉट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं तो आप फौरन प्रोपीकोनाज़ोल का स्प्रे करवाएँ। दोस्तों, प्रोपीकोनाज़ोल की जो डोज़ है वो आपने डेढ़ पैक, जो एक एकड़ के लिए पैक है वो डेढ़ पैक या दो पैक करवाने हैं, अगर इस तरह की मुआशी हद को आपकी फसल पहुंची हुई है। अदरवाइज़ एक पैक से ही आपका कंट्रोल हो जाएगा। अलावा माइक्लोब्यूटानल भी कर सक बेहतरीन कंट्रोल दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।